एवरीवन वेलकम टू जेनिक तो आज फिर से आपका स्वागत है फाइव क्वेश्चन फाइव कॉन्सेप्ट वाली सीरीज में जहां पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हम पांच क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पांच बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे या कॉन्सेप्ट्स के अप्लीकेशन सीखेंगे और ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो गेट में आपको बार बार पूछे जाते हैं बार बार आते हैं जिनको कह रहे हैं की कॉन्सेप्ट है गेट कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट करता है क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करता तो आपको उनकी की कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तीन घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है टाइमली सॉल्व करना है नॉट ओनली सॉल्व टाइमली सॉल्व करना और टाइमली सॉल्व करने के लिए आपको जो चीज़ें हैं जो की कॉन्सेप्ट हैं उनके सिंप्लीफाइड अप्रोचेज पता होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को बहुत सिंपलीफाइड वे में अप्रोच कर पाओ और सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व कर पाओ तब इफेक्टिवली आप टाइमली सॉल्व कर पाओगे और आपको जितना पेपर में आता होगा चाहे पचास क्वेश्चन चाहे फिफ्टी फाइव क्वेश्चन फिफ्टी फाइव आप उतना आराम से अटेम्प्ट करोगे और अकुरेसी के साथ अटेम्प्ट करोगे और अगर यही कर लेंगे तो गेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है कई बार लोग जितना आता है उतना कर नहीं पाते हैं और टाइम उनको लगता है कम है और उसमें हड़बड़ी में गलतियां बहुत सारी करते हैं इस वजह से कई बार आता तो फिफ्टी फाइव क्वेश्चन है लेकिन सही फोर्टी हुए पंद्रह तो गलत हो गए उस जल्दबाजी में फिफ्टीन गलत हो गया आउट ऑफ फिफ्टी फाइव तो उस वजह से रैंक खराब हो जाती है जितनी आपकी मेहनत है जितना आपका नॉलेज है उस लेवल के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस नहीं कन्वर्ट हो पाती तो यही आपको करना है यही सीखना है तो मैं यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट आता है उसके भी सिंप्लीफाइड अप्रोचेस सिखाने की कोशिश करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को ऐसे यूज करोगे ऐसा दिमाग में रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्वेश्चन ज़्यादा सिम्प्लीफाइड वे में सर सॉल्व होंगे और जो की कॉन्सेप्ट है वो तो हम सीखेंगे जो बार बार आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ठीक है तो आप एक बार सेशन को पहले स... शेयर कर दीजिए और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू है ना आज पंद्रह अगस्त है और आज से एक सीरीज और भी शुरू हुई है जी परपज में मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट सीरीज तो ऑलरेडी चली रही थी जी पर्पज में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है सिग्नल एंड सिस्टम तो वहाँ के वीडियोज़ भी फॉलो कर सकते हो उसमें कुछ पेड कोर्स के वीडियोस भी होंगे उसमें कुछ पेड कोर्स के वीडियोस भी डाले गए जो पेड कोर्स में हम लोग पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन डिस्कशन के सेशनस हैं पेड कोर्स के वो भी वहां पर आएंगे आपको वहां पर मिलेंगे तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो तो उसका प्रीमियर टाइम है सुबह सात बजे वो प्रीमियर होता है तीन साढ़े तीन घंटे के वीडियोस होंगे प्रॉपर वीडियोस एक सीक्वेंस में आप सीखेंगे और यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही रही है कल मैं आप गाइडेंस सेशन भी जैसा मैंने बताया था कि गाइडेंस सेशन भी मैं लेने वाला हूँ कल मेरा एक सेशन ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका होगा जाके आप देखना और उसको लाइक और शेयर भी कर देना जिसमें हम बात करेंगे कि अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने का टाइम एक एक्चुअली आ चुका है क्यों आ चुका है मैं उस क्यों की बात करूंगा उस लाइव सेशन में और कैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को अप्रोच करना चाहिए क्या क्या मतलब आपको टेंशन होती है टेस्ट देते वक्त उसको कैसे ओवरकम करना है कैसे प्लान करना उस टेस्ट को कैसे इंगेज करना है कैसे उसका बेनिफिट उठाना है ये सारी बातें मैं करूंगा कल सेशन है ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है उसको भी शेयर लाइक ज़रूर कर देना ठीक है ना तो इस सेशन को शुरू करते हैं पहले एक बार सेशन को यार शेयर कर दो तो जल्दी से और पांच क्वेश्चन है जिसमें तीन क्वेश्चन तो है गेट के एंड दो क्वेश्चन हैं मेरे मेरे क्वेश्चन से भी आप बहुत कुछ सीखोगे और गेट के क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखोगे एज सिंपल एज दैट ठीक है ना चलो तो पहला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आया है वे बैक इन नाइनटीन है ना तो ये की कॉन्सेप्ट आज की डेट में भी गेट पूछता है बीच में नहीं पूछ रहा था लेकिन पूछता है अब पूछने लगा है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको क्वेश्चन को पढ़िए ट्राई करिए एंड ट्राई करिए कि मिनिमम टाइम में रिजल्ट निकालने की कोशिश करिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस सेशन को एक बार शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा शेयर जल्दी से जल्दी कर दीजिए अपने फेसबुक पेजेस पे शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम जहाँ पे आप ब्लॉक नहीं होते वहाँ शेयर कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके यहाँ अगर स्टडी ग्रुप्स वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं ठीक है ना चलिए जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए और कल का सेशन अटेंड करना मत भूलना बहुत काम का होगा क्योंकि कई बार आप पढ़ाई तो बहुत करते हो मेहनत बहुत करते हो लेकिन टेस्ट देने से डरते हो टेस्ट अगर ख़राब चला गया तो बहुत डरने लगते हो और वो काम जो सबसे ज़रूरी है पढ़ाई करने के बाद वही नहीं करते हो इसीलिए आपके पढ़ाई का जो आउटपुट आना चाहिए हार्डवर्क का आउटपुट वो आउटपुट कोसों दूर होता है आपके हार्डवर्क के रिस्पेक्ट में आपकी नॉलेज के रिस्पेक्ट में क्योंकि आप अपने टेस्ट देके अपनी गलतियों पे काम करना नहीं सीखते इसलिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको उसमें गाइड मैं करूंगा अच्छे से ठीक है ना सेशन को एक बार शेयर करना बच्चों है ना और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं क्या सब लोग पढ़ाई भी कर लिया करो है ना इंपॉर्टेंट दिन आज ऑब्वियसली है तो आपको मनाना ही चाहिए है ना तो सेशन को एक बार शेयर और लाइक करो जल्दी से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज टू डिजाइन द लॉजिक सिस्टम शो इन द फिगर सेटिसफाइंग द टू टेबल गिवेन इज ये ट्रूथ टेबल गिवेन है इस ट्रूथ टेबल को सेटिस्फाई करने वाला लॉजिक सर्किट ये है डिजाइन करिए उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स इस सर्किट को आप डिजाइन कर सकते हैं वो बताइए मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कितने आप लगाएंगे वो बता दीजिए ठीक है ना जल्दी से ठीक है जल्दी से बताइए इसका आंसर जल्दी से फिर मैं बताऊंगा ये की कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है मैं वही दिखा रहा हूं कि कौन से की कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं बार बार अप्रोच कैसे करना है ये एक लाइन का क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा है ना तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चों है ना अपने फेसबुक पेजेस पे जाके ज़रूर शेयर कर दीजिए फेसबुक पेजेस पे कर दीजिए बाकी जगहों पे भी कर दीजिए ठीक है ना जल्दी से ठीक है और आंसर बताइए ट्राई करिए आंसर निकालने की ठीक है आंसर निकालने का ट्राई करिए कल का सेशन कोई भी भूलेगा नहीं अटेंड करना कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना जल्दी से बताइए इसका आंसर है ना जल्दी से इसका आंसर बताइए किसी का आया किसी का आया क्वेश्चन को अगर समझ गए हैं तो सोल्यूशन की तरफ बढ़िए सोल्यूशन में कुछ हद तक आप पहुंच चुके होंगे कुछ चीज़ें आप नहीं कर पा रहे होंगे ना गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून है ना सेशन को एक बार लाइक शेयर करो जल्दी से सब लोग है ना जल्दी से जल्दी से जल्दी से करिए भैया क्वेश्चन ट्राई चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं यहाँ पे पहली गलती तो कुछ लोग ये कर सकते हैं कि इस एक्स को डोंट केयर मत मान व्हाट वाई है जब ए जीरो जीरो है ए और बी जीरो जीरो तो वाई एक्स बार है वाई वेरिएबल के फॉर्म में भी है जीरो वन पे वाई एक्स है वन जीरो पे वाई वन है वन वन पे जीरो है ए और बी की वैल्यूज अगर मैं इसका दो वेरिएबल की ट्रूथ टेबल बनाऊं क्योंकि अगर ध्यान से देखो अगर मैं इसकी दो वेरिएबल की ट्रूथ टेबल बनाऊं क्योंकि ये क्या है यहां ए बार और यहां ए यहां बी बार और यहां बी तो जब ए जीरो और बी जीरो वाला बॉक्स है ना ए बार और बी बार ए बार मतलब ए जीरो बी बार मतलब बी ये वाला बॉक्स तो आउटपुट क्या है एक्स बार लिखोगे अगर आउटपुट जीरो होता है तो जीरो भरते हो यहां आउटपुट वन होता है तो वन भरते हो ना यहां पे। जीरो तो जब जीरो, होता है तो में तुम यहां जीरो भरते हो अगर ए जीरो जीरो भरते हो वन है तो यहां वन भरते ना और यहां बार है तो एक्स बार भरोगे जीरो वाला बॉक्स है जीरो के करेस्पॉन्डिंग ए वन और बी जीरो के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट वन है और वन वन के करो तो यही ये आप जीरो दिखा देते हो या यहां भरते नहीं हो बस तो एक तरह से वेरिएबल के मैप है जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको इसको आप एक्सपेंड कर दो कैसे मैंने बताया था कुछ नहीं करना है ए बार बी बार और इसके बॉक्स की एंट्री क्या है बार प्लस ए बार बी ये वाला बॉक्स इसके बॉक्स की एंट्री से मल्टीप्लाई कर दो प्लस ए बी बार इसके बॉक्स की एंट्री से मल्टीप्लाई कर दो वन प्लस ए बी ये वाले बॉक्स की इंटू जीरो तो इंटू जीरो करोगे जीरो ही आ जाएगा है ना तो अब देखो ये वाई ये वाई तो निकला ये निकलाई का के मैप है वाई देखो तीन वेरिएबल का आ गया फंक्शन की नहीं इन तीन इनपुट पे डिपेंड कर रहा वाई ए बी और एक्स पे देखो यहां एक्सप्रेशन से ए बी और एक्स है ना ए बी और एक्स को चेंज करोगे वाई चेंज होगा तो ये वेरिएबल के मैप एक तरह से दे दिया था उसकी ट्रुथ टेबल दे दी थी अब ये तीन वेरिएबल का के मैप बना लो ए बी एक्स के रिस्पेक्ट में तुरंत भरो तुरंत सॉल्व हो जाएगा यार एक लाइन में मैंने ये बताया था आपको तो ये ए बार ले लेते हैं ये ए तो बाकी बचा बी बार एक्स बार बी बार एक्स 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 बी बी बार A तो बचा ए बी एक्स मैं ले रहा हूं एक्स मतलब सी है अब देखो ए बार बी बार एक्स बार क्या आ गया ये वन ये तीन वेरिएबल का टर्म है तो एक ही सिंगल टर्म होगा तीन ही वेरिएबल का फंक्शन है तीनों वेरिएबल है इसमें तो एक ही सिंगल वन है यहां भी ये वाला one है अब देखो यहां A into B bar, यहां एक है 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 ना एक 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 है। एक मतलब घटा और कब घटता जब बनता से रिड्यूस होता है क्वार से दो वेरिएबल और ऑक्टेट से तीन वेरिएबल तो अब देखो ए बी बार ए यहां से आएगा बी बार कहां से आएगा यहां से आएगा भैया ये पेयर बनेगा यहां से बी बार रिटेन हो जाएगा, जाएगा एक्स बार प्लस एक्स का तो ये एक तरह से इसका के मैप है तीन वेरिएबल का वाई तीन वेरिएबल का एक्चुअली फंक्शन है लेकिन ट्रूट टेबल दो वेरिएबल के फॉर्म में दे दी थी तीसरे वेरिएबल को आउटपुट में एडजस्ट कर दिया था भैया यही तो खेला खेल दिए अब तुम बना लो क्या क्या बना सकते हो ये पेयर बन जाएगा ये पेयर बन जाएगा ये तो कहीं नहीं आएगा तो आउटपुट आएगा क्या इस पेयर की वैल्यू है बी बार एक्स बार प्लस ये वाले पेयर की वैल्यू ए बी बार प्लस ये सिंगल वन है ये तो कहीं पेयर ही नहीं होगा ए बार बी एक्स यही तो आउटपुट आएगा इससे ज्यादा रिडक्शन तो नहीं पॉसिबल क्यों ये क्या कह रहा? मिनिमम नंबर ऑफ गेट तो मिनिमम नंबर गेट करने के लिए इस उतना ही, gate, उतने ही कम गेट लगेंगे तो मिनिमम नंबर गेट निकालने तो हमें की तरफ जाना पड़ेगा और ये बेस्ट मिनिमाइजेशन पॉसिबल हमने कर दिया लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिग्यूस है क्योंकि ये ये नहीं बताया कि कौन से गेट को काउंट करना है तो हम यानी कि कोई भी गेट यूज कर सकते हैं कितने भी इनपुट का कर सकते हैं मैं ये मान के चलूंगा अगर यहां मेंशन होता टू इनपुट नैंड गेट तो मैं बाध्य हो जाता कि हर गेट टू इनपुट नैंड ही यूज होना है या हर गेट टू इनपुट नार ही यूज करना अगर ऐसा मेंशन कर देता तो मैं दो इनपुट से ज्यादा गेट यूज नहीं कर पाता और मुझे उसके हिसाब से नंबर ऑफ गेट्स काउंट करने पड़ते टू इनपुट नैंड गेट होता तो टू इनपुट नैंड गेट के हिसाब से सारे गेट काउंट होते लेकिन यहां कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैं एकदम फ्रीली सर्किट बनाऊंगा और मिनिमम नंबर गेट से बना दूंगा यह मिनिमाइज फॉर्म है अब मैं बी बार इंटू एक्स बार के लिए एक एंड गेट लगा देता हूं भैया बी बार इंटू एक्स बार के लिए एक एंड गेट दो इनपुट का ए बी बार के लिए दूसरा एक एंड गेट ए बी बार के लिए ए बी बार के लिए दूसरा एंड गेट ठीक है ना ए बार बी एक्स के लिए तीसरा एंड गेट ए बार ए बार हट जा भाई ए बार यहां बी यहां यक्स. और इन तीनों की क्या कर देंगे इन तीनों की कर देंगे आरिंग आरी तो किया है तीन प्रोडक्ट जनरेट किया और आरिंग कर देंग. अब यहां पे मिन, जब कभी भी क्वेश्चन में मेंशन में ना हो कि इन्वर्टिंग इनपुट्स आर अवेलेबल तो उसको जनरेट करना पड़ता है अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ए बार अवेलेबल है इनवर्टिंग इनपुट अवेलेबल है तो आप उसके लिए गेट नहीं लगाओगे ए बार अवेलेबल है मान लोगे बी बार अवेलेबल है मान लोगे सी बार अवेलेबल है लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है कि इन्वर्टिंग इनपुट्स आर अवेलेबल तो ए बार आपको जनरेट करना पड़ेगा तब आप केवल यह मानोगे कि ए अवेलेबल है बी अवेलेबल है यस जैसे ए बी एक्स अवेलेबल है इनपुट पे इनको जनरेट करने की जरूरत नहीं लेकिन अगर ए बार की जरूरत पड़ेगी तो जनरेट करना पड़ेगा बार की जरूरत पड़ेगी जनरेट करना पड़ेगा बी बार तो यहां देखो यहां भी पास कर दूंगा। ऐसा नहीं कि यहां बी बार आ गया तो दोबारा नॉट गेट लगेगा जनरेट करो यहां पास कर देना यहां पास कर देना तो तीन नॉट गेट लगेंगे कितने लगेंगे सात तो लगाने पड़ेंगे ना ये सर्किट बनाने के लिए देख लो ना अब हवा में तो बना नहीं दोगे ये इससे ज्यादा मिनिमाइजेशन तो हो नहीं रहा तो सात गेट लगेंगे आपको सात गेट लगेंगे आपको ठीक है यूपीएससी ऑप्शनल हो सकता है क्या बिकॉज मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता उसका सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है और जी ऑप्टिमस में हा नुमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत कराई जाएगी लेकिन थियरी बहुत ब्रीफ में मतलब टू द पॉइंट बताया जाता है बताया अच्छे से जाता है तीस चालीस घंटे में एक्सटेंसिव बताया जाएगा मुझे लग रहा है अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से फुल कोर्स से पढ़ना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल ले रहे हैं यूपीएससी सीएससी के लिए सिविल सर्विसेज के लिए तो मेरे हिसाब से आपको फुल कोर्स से पढ़ना चाहिए तब वहाँ पर वो आप ज़्यादा बेहतर आंसर लिख सकते हैं है ना थीयरी वेरी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि थियरटिकल क्वेश्चन भी आएंगे ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे है ना तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तो कंपटीशन बहुत हाई होता है वहाँ पे है ना तो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि जी ऑप्टिमस गेट ओरिएंटेड है पूरा और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम गेट के हिसाब से बहुत सारी कराते हैं उतनी शायद सी के लिए आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी उतने टिपिकल क्वेश्चन की है ना तो आप फुल कोर्स में आराम से अच्छे से पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से सी के लिए वो बेटर रहेगा क्योंकि सी कई बार लॉन्ग टर्म गोल भी होता है हो सकता है इस साल ना निकले है ना तो उसके लिए आपके ऑप्शनल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए तो अच्छे से पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा हाँ इस बार आप मेन्स लिखने वाले हो लेट्स से मुझे अभी नहीं पता कैलेंडर क्या चल रहा है और उसके लिए आपको मेन्स कंप्लीट करना है टाइम से मतलब पढ़ लेना है मेन मेन चीज़ें तब आपके लिए जी ऑप्टिमस ठीक है अदरवाइज अगर आप भी लॉन्ग टर्म उसमें तैयारी करने वाले हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप फुल कोर्स से पढ़िए ज़्यादा बेटर होगा ठीक है ना सर पी का सी में किस में आंसर राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों जगह बेटा इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे वो है तो इंपॉर्टेंट होगी क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सबको बता दो और सेशन को एक बार शेयर लाइक कर दो तो देखे वेरिएबल के मैप ऐसा नहीं कि पहले कभी पूछा नहीं गया है तो वेरिएबल के मैप बहुत सिंपल चीज़ है कोई बहुत टफ चीज़ थोड़ो ना यार इजिली आंसर आ जाता है चलो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है दिमाग कितना जल्दी कौन लगाता है उस पर डिपेंड करेगा जल्दी से इसका आंसर बताइए फिर मेरे दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ठीक है ना और सेशन को एक बार शेयर और लाइक कर दो भाई बच्चों मेरे प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से और कल मेरा एक सेशन है ऑलरेडी देखो जाके शेड्यूल हो गया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जरूर देख लेना परसों तो मेरा डिजिटल का सेशन होगा ही होगा फाइव क्वेश्चन फाइव कॉन्सेप्ट वाला कल मेरा एक सेशन है टेस्ट सीरीज़ के ऊपर क्योंकि आप लोग मेहनत बहुत करते हो तैयारी बहुत करते हो टेस्ट सीरीज देने से बहुत लोग भागते हैं और मैं इस बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ जस्ट मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि तो मेरे यहाँ स्टूडेंट जिनको टेस्ट सीरीज फुल कोर्स के साथ मिलती है हम जब वहाँ ऑब्जर्व करते हैं उसमें से नेटवर्क थियरी के तो चलो कुछ लोग अटैम्प्ट कर लेते हैं बाकी सब्जेक्ट के मैं देखता हूँ ही नहीं करते हैं पता चले दो कोर्स बच्चे लिए हैं उसमें से सौ बच्चे टेस्ट दे रहे हैं दो बच्चे ये रेशियो है उसमें एक डर अजीब सा बैठा होता है बच्चों का एक आग टेस्ट देने के बाद खराब हो जाता तो डर और नेक्स्ट लेवल हो जाता कि करना ही नहीं यार पढ़ते रहो हार्ड वर्क खूब करते रहते हैं तो उसको कैसे भगाना है कैसे यूटिलाइज करना है कैसे एंगेज करना है उस टेस्ट सीरीज को और सब्जेक्ट वाइज का एकदम राइट टाइम अब शुरू होने वाला है तो वो मैं उसके क्यों अभी सब्जेक्ट वाइज को इंगेज अभी से करना सब जरूरी है वो सारे रीजंस के साथ में एकदम प्रॉपर वीडियो लाइव सेशन लूंगा उसमें जरूर रहना बहुत हेल्प करेगा और उसको फॉलो करोगे तब तो, तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ठीक है ना इस सेशन को शेयर और लाइक like कर दीजिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए ठीक है ना तो सेवन नंबर ऑफ गेट्स पिछले में लगने थे मिनिमम मिनिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट था मिनिमाइजेशन एक लेवल तक ही हो पाया था है ना एक लेवल के बाद नहीं हो पाया था लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि आपको अप्रोच कैसे करना था कैसे आउटपुट लिखना था कैसे आउटपुट को सॉल्व करना था था वाई तीन इनपुट पे डिपेंड कर रहा था लेकिन के में जो ट्रूथ टेबल थी दो वेरिएबल की ट्रूथ टेबल दे दी थी एक वेरिएबल को आउटपुट में एडजस्ट कर दिया था बेसिकली किया ये था और कुछ नहीं किया था ठीक है ना चलो इसका आंसर निहार ने बताया है सी ऑप्शन ओके चलिए निहार ने कहा इसका है भाई साहब सी आंसर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चलिए बाकी लोग बताइए व्हाट इज द राइट आंसर अभी मैं इस क्वेश्चन से आपको एक चीज याद दिलाऊंगा जो मैं आपको बार बार बोला हूं बार बार बोला हूं आप शायद भूल जाते हो लेकिन मुझे याद रहता है ठीक है जल्दी से बताइए इसका आंसर सी आंसर गजेंद्र का भी आ गया दो लोग सी पे आ गए हैं सी पे आके बैठे हुए हैं दो लोग सी सी ऑप्शन दो लोग सी आ चुका है बाकी लोग भाई निकालिए आंसर जल्दी से बताइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए ये सब सिम्प्लीफिकेशन आपको टाइमली सॉल्व करना है एग्ज़ाम में सर्किट देख के घबराना नहीं, इस तरह की सर्किट का प्रैक्टिस करिए डिस्टल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आगे भी एलएसआई एस में कैरियर बनाना चाहते हो तो डिजिटल इज़ वन ऑफ द डोमिनेटिंग डोमेन दो डोमेन में लोग नॉर्मली जाते हैं वील में आई डोमेन डिजिटल डोमेन डिजिटल में ज़्यादा वैकेंसीज मतलब कंपनीज़ के पास होती हैं ज़्यादा लोग जाते हैं इन हो इंटेल हो टेक्सास हो इनलॉग में सिलेक्शन रेशियो कम है इनलॉग में कम लोग जा पाते हैं और इनलॉग के लिए मेहनत ज़्यादा लगती है तो इसलिए डिजिटल में बहुत लोग भागते हैं डिजिटल आपकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है मक्स सिक्वेंशियल ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए अगर आप अच्छे कॉलेज से एम टेक परसू करके अच्छे किसी कंपनी में जाना चाहते हो विलेसाइड डोमैन याद रखिएगा ठीक है चलो दो लोगों ने आंसर दिया बाकी लोगों का आ नहीं पा रहा है कि बाकी लोग मूक दर्शक बनने आए हैं कैसे है ना चलो सॉल्व करते हैं जल्दी से यार देखो बी और सी इसमें भी इनपुट है बी और सी इसमें दिखा दिया थोड़ा डिजाइनदार ताकि देखने में अच्छा लगे तो यहां से तो सिंपली बी प्लस सी आ जा रहा है और यहां से क्या आ रहा है भैया बी इन सी आ जा रहा है और यहां ए मल्टीप्लाइड है तो यहां ए इंटू बी प्लस सी हो गया देखो ना बी प्लस सी यहां से ए इंटू और यहां ए बार है ए बार बीसी और यहां से आउटपुट आ गया क्या दोनों का एंड करना है तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए बार बीसी अब अगर ध्यान से देखो कहीं भी किसी इन दोनों को पेयरिंग करने से कोई मिनिमाइजेशन नहीं होना एबी प्लस एसी में ऐसा कुछ भी नहीं कि मिनिमाइज होगा हो लेकिन यहां पे देखो ए और ए बार दिख रहा है यहां कुछ मिनिमाइजेशन हो सकता है अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दें मैंने बताया था किसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड का आर के ऊपर या आर का एंड के ऊपर यहां पहले सी कॉमन ले लें ले इसमें से तो ए बी प्लस सी कॉमन लिया तो यहां से बचा ए प्लस ए बार बी बचा है कि नहीं सी कॉमन यहां से ए प्लस और यहां ए प्लस ए बार ए प्लस बी ए प्लस ए बार इज वन प्लस को मैंने इस एंड ए बार इंटू बी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बचा ए प्लस बी यहां से तो ए प्लस बी बचा तो ए इंटू सी और बी इंटू सी ये देखो ध्यान से क्या है मेजोरिटी इनपुट सर्किट मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजोरिटी इनपुट सर्किट आपसे ये भी पूछ सकते थे पता है क्या आपसे ये पूछते थे यक्स का मिनटर्म फॉर्म में क्या है ऑप्शन आप क्या भरते तुरंत थ्री फाइव सिक्स सेवन याद है कि नहीं मेजोरिटी इनपुट सर्किट का मिनटर्म रिप्रेजेंटेशन इज थ्री फाइव सिक्स सेवन थ्री इनपुट का एक्सोर का रिप्रेजेंटेशन वन टू फोर सेवन होता है ये सब आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए बहुत बार आया मेजोरिटी इनपुट सर्किट में आपके कम से कम गेट में पांचियों क्वेश्चन करा चुका हूंगा इन डायरेक्ट फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्म में है ना बहुत बार आता है मतलब फेवरेट है तो इससे रिलेटेड चीजें आपको फुल एडर एकदम होना चाहिए दिमाग में उसका फुल एडर का सम आउटपुट तीन इनपुट एक्सॉर होता है उसका कैरी आउटपुट इज द मेजोरिटी इनपुट सर्किट जब मेजोरिटी ऑफ द इनपुट आर एट लॉजिक वन देन कैरी आउटपुट विल बी वन एंड इस लॉजिकल एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए

बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बहुत सिंपली इसका आंसर भी आ जाएगा तो एक बार शेयर कर दो यार बच्चों जल्दी से सेशन को और इसको आगे बढ़ाते हैं है ना लाइक like भी कर देना और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर रहना लाइव सेशन में ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है उस सेशन को भी शेयर और लाइक like जरूर आप लोग कर दीजिएगा ठीक है ना और जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट से फिर हम दो क्वेश्चन आ जाएंगे जो मेरे वाले हैं उस पर ठीक है ना जल्दी से बताइए बच्चों इसका आंसर जल्दी से बताइए जल्दी से इसका आंसर है ना निहार का आ गया है आंसर इज डी डजन डिमिट लाइट इट इज द स्विच पोजिशन है ना ये वाला डी डी एक लोगों का आंसर आया बाकी लोग बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए इसका आंसर डी आंसर आ चुका है एक वन ऑफ द आंसर इज डी ठीक है जल्दी से बाकी लोग बताइए इसके बाद मेरा क्वेश्चन आएगा गजेंद्र बताएंगे है ना बी एन तिवारी आयन सरकार टेक्निकल आप लोग भी जवाब देंगे बेटा या आप लोग बस केवल देख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करिए कोशिश करिए आंसर दीजिए गलत है सही है वो तो सेकेंडरी चीज है फर्स्ट यू हैव टू आंसर फर्स्ट यू हैव टू ट्राई देन मन यू विल गेट राइट आंसर और रॉन्ग आंसर है ना फिर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि सर का अप्रोच क्या है आपका क्या है आप क्या इंप्रूव कर सकते हो क्योंकि बार क्योंकि कई बार आप सोल्यूशन सही निकालते हो लेकिन अप्रोच में इंप्रूवमेंट के चांस होते हैं और वो इंप्रूवमेंट हमें करनी है क्योंकि हमें उस तीन घंटे में उस एग्जाम को क्रैक करना है उस तीन घंटे में हमें एग्जाम को परफॉर्म करना है सो यू ऑलवेज नीड इंप्रूवमेंट है ना यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ है ना आपको कुछ आ गया लेकिन उस कितना इफेक्टिव आ गया वो कितना इफेक्टिवली आप उसको कर पाते हैं इस पर भी आपको काम करने की जरूरत रहती है हमेशा तो देखो पहली चीज यहां देखो एक डायोड लगा हुआ है डायोड एलईडी है, है लाइट इमिटिंग डायोड तो पहली चीज ये याद रखो जो लाइट इमटिंग डायोड होता है है ना लाइट इमटिंग डायोड वो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल से बनते हैं और वहां पे जो एलईडी है जब इससे फॉरवर्ड करंट फ्लो होती है फॉरवर्ड करंट, पी टू एन डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होती है सफिशियंटली लार्ज करंट जब फ्लो होती है एक उसकी वैल्यू होती है उस थ्रिशोल वैल्यू से जब ज्यादा करंट फ्लो होती है तो यह एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट इमिट करता है कोई येलो इमिट कर सकता है कोई ब्लू इमिट कर सकता है कोई ग्रीन इमिट कर सकता है एक अपना कलर की लाइट इमिट करेगा एंड वो कलर क्या होगा वो डिपेंड करता है एनर्जी गैप ऑफ द मटीरियल यूज टू डिजाइन दिस एलईडी जो एनर्जी गैप इजी होता है ईसी और ईवी एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप होता है उस एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है ऑफ द लाइट इमिटेड और उस पर डिपेंड करेगा कलर क्योंकि क्या है अब ये एलईडी से जब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगी तभी ये लाइट इमिट करेगा पहली चीज तो एलईडी फॉरवर्ड बायस मोड में काम करती है ये याद रखना रिवर्स बायस मोड में नहीं कुछ डायोड्स होते हैं टनल डायोड्स कुछ डायोड्स ऐसे होते हैं जो रिवर्स बायस मोड में भी काम करते हैं ना जैसे जेन डाउट को आप रिवर्स बैस मोड में ज्यादा प्रीफर करते हो लेकिन एलईडी वर्क्स इन फॉरवर्ड बैस मोड ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो अब एलईडी और फॉरवर्ड बैस मोड क्या होता है जब आपका पी इंड एट हायर पोटेंशियल होता है यन इंड एट लोअर तो हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो होती है तो यहां देखो पी इंड तो फाइव वोल्ट से कनेक्टेड है एलईडी के अगर इसका जो यन इंड है, है इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहां अगर इसका यन इंड लोअर पोटेंशियल पे हो जाए मतलब लोअर पोटेंशियल मतलब क्या लॉजिक जीरो लॉजिक जीरो के लिए जीरो नॉर्मली यूज करते हैं और लॉजिक वन के लिए हाई वोल्टेज दैट इज वोल्ट तो अगर ये नैंड गेट का आउटपुट हो जाए तो ये एन कनेक्ट हो जाएगा वोल्ट पे और पी फाइव पे तो फाइव से हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होगा पी टू एन डायरेक्शन में एलईडी से और एलईडी लाइट इमिट करेगी इसका मतलब है कि टू इमिट द लाइट फ्रॉम एलईडी वी नीड वी नीड दैट आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट शुड बी जीरो इसका जीरो होना चाहिए आउटपुट अब नैंड गेट का आउटपुट जीरो कंडीशन होती है नैंड गेट अगर एक भी इनपुट जीरो हो गया तो आउटपुट वन देता है जब सारे इनपुट लॉजिक वन पे होते हैं तभी वो आउटपुट जीरो देता है जब सारे होंगे, तभी नैंड गेट वन आउटपुट देगा अगर एक भी इनपुट जीरो पे हो गया तो बाकी चाहे कहीं पे भी हो आउटपुट वन ही आएगा तो आउटपुट को जीरो आने के लिए दीज बोट द इनपुट शुड भी वन इनपुट शुड भी वन मतलब ये भी वन होना चाहिए ये भी वन होना चाहिए अब क्या यहन पे पॉसिबल है तो ये नैंड गेट देगा zero, कर जाएगा। अब एंड गेट का आउटपुट वन हो इसका एक ही कम्बिनेशन होता है जब सारे इनपुट हाई इनपुट पे हो हाई लॉजिक पे हो एंड गेट का आउटपुट वन होने का एक ही केस है जब सारे इनपुट वन पे होते हैं तभी एंड गेट आउटपुट वन देता है एक भी इनपुट जीरो आउटपुट जीरो आ जाएगा मतलब ये दोनों चाहिए मुझे एंड गेट में तभी ये वाला एंड गेट का आउटपुट वन हो पाएगा फिर हम देखेंगे एक्सोर गेट का कब होगा और इस तरह से आंसर निकाल लेंगे अब एंड गेट का आउटपुट अगर वन होना है तो इसके दोनों इनपुट वन होने चाहिए ये भी और ये भी अब देखो अगर इस स्विच को मैं क्लोज कर दूंगा तो देखो ये वाला इनपुट डायरेक्टली जीरो से कनेक्ट हो जाएगा और ये लॉजिक जीरो पे चला जाएगा अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर दूंगा तो ये भी डायरेक्टली जीरो पे चला जाएगा और ये जीरो हो जाएगा तो दोनों इनपुट जीरो हो जाएंगे मतलब अगर दोनों को वन रखना तो इस स्विच को ओपन रखना पड़ेगा यस yes, टू को ओपन रखोगे भैया तो अगर ध्यान से देखो यस yes, टू देखो ये फाइव वोल्ट बैटरी ये इन यहां फाइव वोल्ट है फाइव वोल्ट से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है अगर स्विच क्लोज होगा स्विच ओपन होगा तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो ही नहीं हो सकती हो सकती है क्या बताओ नहीं हो सकती ना

जब इस वन किलोम से करंट नहीं फ्लो होगी भैया वन किलोम से करंट नहीं फ्लो होगी तो ये फाइव वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट और लॉजिक हो जाएगा मतलब इन दोनों स्विच को ओपन करोगे तब इस एंड गेट के दोनों इनपुट वन होंगे क्योंकि स्विच क्लोज करने पे दोनों जीरो स्विच को क्लोज करोगे वो जीरो हो जाएगा और एंड गेट में एक भी जीरो हुआ तो आउटपुट जीरो आ जाता है तो यानी कि इन दोनों को ओपन रखने पर ही एंड गेट का आउटपुट वन आएगा अब देख लेते हैं मतलब एस वन को ओपन रखना पड़ेगा अगर मुझे इस एंड गेट का आउटपुट वन करना है और जीरो हो इसमें से एक भी जीरो हुआ, तो गेट का वन हो जाएगा, फिर तो यहां देखो ध्यान से यही वाला तो है अगर यह ये स्विच एस टू ओपन है तो भैया अगर स्विच एस टू क्लोज होता तो देखो ना ये क्लोज होता तो यही यहां पर भी जीरो आ जाता है स्विच एस टू ओपन है तो यहां पर वन आ गया स्विच एस को ओपन रखना ही पड़ेगा इस एंड गेट के आउटपुट को वन रखने के लिए एस टू और एस वन को ओपन रखना पड़ेगा यह तो गारंटी है अदरवाइज इस एंड गेट का आउटपुट जीरो फिर नैंड गेट का तो आउटपुट वन हो ही जाएगा फिर एक्सार गेट का आउटपुट कुछ भी हो अगर एंड गेट का आउटपुट जीरो हुआ तो नैंड गेट का आउटपुट जी वन हो जाएगा और वन हो जाएगा तो फिर एलईडी ग्लो ही नहीं कर पाएगी क्योंकि यहां भी फाइव वोल्ट यहां भी फाइव वोल्ट फाइव माइनस फाइव अब दोनों इंड का पोटेंशियल सेम तो करंट फ्लो ही नहीं हो सकती ना एक हायर पे हो एक लोअर पे तभी करंट फ्लो होती है दोनों इंड का पोटेंशियल सेम तो करंट नहीं फ्लो होती है ठीक है तो अगर S2 टू क्लोज होता तो ये भी होता ये जीरो होता S2 है, तो ये भी है और ये जीरो भी वन है और यही यहां कनेक्टेड हो तो ये भी वन है अब इसको देखते हैं ध्यान से भैया यहां से, से ये, ये नोट जीरो से कनेक्टेड है क्या अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड होता किसी स्विच के थ्रू या डायरेक्टली तब तो यह जीरो हो सकता था लेकिन यह कहां से कनेक्टेड है देखो वी सीसी से कनेक्टेड है थ्रू वन किलो ओम रेजिस्टेंस ये देखो जीरो से नहीं कनेक्टेड है जीरो से कनेक्ट करने के लिए इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ता ग्राउंड से तो ये कनेक्टेड है नहीं तो ऑब्वियस बात है ये 5 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है थ्रू किलो ओम रेजिस्टेंस तो ये ये भी किस पे है? वन पे है है लॉजिक भैया तो बाय डिफॉल्ट हमेशा लॉजिक वन पे है ये बाय डिफॉल्ट हमेशा लॉजिक पे, ये हमेशा वन पे क्योंकि ये हमेशा फाइव वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है यहां तो स्विचविच है ही नहीं ना तो एक्सॉर गेट का ये इनपुट हमेशा वन पे है तो ये वन एक्सोर वन क्या देगा आउटपुट जीरो देगा तो भैया इस नैंड गेट का ये वाला इनपुट वन तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं क्यों भैया अगर इस नैंड गेट का ये वाला आउटपुट वन करने जाएंगे तो इस स्विच को जीरो करना पड़ेगा देखो ध्यान से यह स्विच कॉमन है यही डिसाइडिंग फैक्टर है बेटा इस एक्सॉर गेट का एक इनपुट वन फिक्स है यह फिक्स है थ्रू वी और एस वन ओपन करके हमने इस इनपुट को वन पे फिक्स कर दिया एंड गेट का ये वाला यस टू बीच में कॉमन है अगर यस टू क्लोज किया तो ये इनपुट जीरो चला जाएगा एंड गेट में और यहां चला जाएगा जीरो एंड गेट में जैसे जीरो गया यहां आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा जीरो और ये नैंड गेट का आउटपुट वन आ जाएगा अगर मैं और एक्सोर गेट का आउटपुट उस समय क्या होगा वन होगा अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर दूं जीरो वन एक्सोर जीरो इज वन लेकिन अगर मैं स्विच को ओपन करूंगा तो इस एंड गेट में इनपुट वन जाएगा वन एक्स वन इंटू वन आ जाएगा वन लेकिन जैसे स्विच को ओपन करूंगा ये वाला इनपुट जीरो की जगह वन हो जाएगा और वन एक्सोर वन ये जीरो हो जाएगा तो क्या एक्सोर गेट और एंड गेट दोनों एक साथ वन आउटपुट दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे भैया अगर मैं यस को ओपन कर दे रहा हूं तो एंड गेट आउटपुट वन दे दे रहा है लेकिन एक्सोर तब जीरो दे दे रहा है और जब मैं स्विच एस टू को क्लोज कर दे रहा हूं तो वन एक्रो से गेट वन दे दे रहा है लेकिन ये जीरो जाने से इस एंड गेट का आउटपुट जीरो हो जा रहा है तो एंड गेट और एक्टर गेट दोनों एक साथ वन वन हो ही नहीं सकते जो सर्किट कॉम्बिनेशन दिया गया है क्योंकि तो एक्सोर का एक इनपुट फिक्स है वन पे और एंड गेट का एक इनपुट हमने वन पे फिक्स करा दिया कैसे भैया बाय ओपनिंग द स्विच एस वन क्योंकि एंड गेट का आउटपुट वन करने के लिए दोनों वन वन होने जरूरी हैं एस वन को ओपन करके हमने इसको वन करा दिया अब जब यस yes टू है जो बीच का है हमने ओपन करके अगर इसको वन करना चाहा, तो यहां भी वन आ गया और ये एक्सोर गेट का आउटपुट जीरो चला गया एंड गेट का आउटपुट वन वो भी NAND gate output one दे देगा क्योंकि एक जीरो आ गया और जब हम इस गेट के को वन करने के लिए स्विच को को किए तो यहां जीरो आया वन जीरो वन हुआ लेकिन सेम एस को करने से इस एंड गेट का एक जीरो वन और ये फिर एलईडी ग्लो नहीं करेगी मतलब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनी नहीं रहा स्विच का कि दोनों एंड और एक्सोर आउटपुट वन दे और स्विच क्या कर जाए एलईडी ग्लो कर जाए नहीं बन रहा है बी इज द राइट आंसर एस वन को तो ओपन ही रखना है अब एस टू को क्लोज करेंगे तो एक्सोआर वन हो जाएगा लेकिन एंड जीरो हो जाएगा और एस टू को अगर ओपन करेंगे तो एंड वन हो जाएगा तो एक्सोर जीरो हो जाएगा और ये कभी इसीलिए इमिट कर ही नहीं सकता डी आंसर कुछ लोगों ने दिया था एकदम करेक्ट है बिल्कुल राइट है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हाँ, अगर मैं इसको यहां पे कोई स्विच विच लगा के इसको ग्राउंड कर देता तब पॉसिबिलिटी थी S1 S2 दोनों को ओपन करके एंड गेट का आउटपुट वन कर देता एस टू के उप, ए, ये ओपन होने से यहां वन आ जाता और इसको अगर मैं ग्राउंड कर देता जीरो वन एक्स और जीरो यहां भी वन वन इंटू वन यहां भी वन और यहां पे वन इंटू वन के लिए ये आ जाता वन और वन के लिए नाइन गेट का आउटपुट जीरो और एलईडी ग्लो कर जाती फिर एस वन के ओपन होने पर ग्लो कर जाता लेकिन चूंकि ये वन पे फिक्स था थ्रू दिस कनेक्शन इस वजह से हमारा इसको जीरो करना है इसके वन के लिए और इसको वन करना है इसके लिए और ये कॉमन है तो स्विच या तो वन पे रहेगी या तो जीरो पे रहेगी दोनों पे तो हो नहीं सकती एक साथ तो इसलिए दोनों आउटपुट एक साथ वन कभी हो ही नहीं पा रहे हैं दोनों एक साथ वन नहीं हो सकते तो ये एल कभी ग्लो हम करा ही नहीं पाएंगे अब ये क्वेश्चन है मेरा देखते हैं कितने लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन है देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं और ये भी एक की कॉन्सेप्ट है गेट का जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम्ड है देखते हैं कितने लोग गेस कर लेते हैं कितने लोग आंसर निकाल लेते हैं ना और सेशन को एक बार शेयर लाइक कर दीजिए और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं और मैंने छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बताई अगर उसको फॉलो करोगे क्वेश्चन बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा नहीं फॉलो करोगे तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं या बहुत लेंदी जाएगा आंसर तो आएगा लेकिन लेंदी मेथड से आएगा <coughs> तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने इफेक्टिव वे में सॉल्व कर लेते हैं सबसे ज्यादा <coughs> और कल का सेशन शेड्यूल हो गया बेटा जाके शेयर लाइक आप लोग कर दीजिए ना जल्दी से कल का और परसों तो मेरा सत्रह अगस्त को सेशन है ही ये इन्होंने सत्रह को क्यों रखा है क्या किया है अभी उसकी टाइमिंग मैं चेंज करा देता हूँ कुछ टाइमिंग इन्होंने गलत कर दिया है सेव बताइए इसका आंसर किसी का आया ए एक्स और आर बी एक् जो ए प्लस बी ध्यान से करो बेटा ध्यान से ध्यान से करो क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करो एक बार फिर से सॉल्व करो बेटा जल्दबाजी में ना रहा करो गजेंद्र गलत हो जाएगा आंसर इसी तरह से गलतियां होती हैं गजन बेटा एक बार फिर से ट्राई करिए आप है ना इसके बाद एक के मैप का बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप सभी के प्रैक्टिस के लिए ठीक है ना जल्दी से इसका आंसर बताएँगे सब लोग बताइए भाई जल्दी से किसी का आया आंसर किसी का आया आंसर बी.एम. तिवारी का सी आया टू इनपुट आर गेट, अच्छा नीचे वाले में ए बार है बेटा ए बार है यहाँ यहाँ ए बार है भाई ए बार है ये ए बार है ये बी बार है साफ साफ लिखा है हुआ है ए बार और ए बी बार है ये यहाँ ए बार ए है यहाँ बी है यहाँ का ए बार दिख गया यहाँ वाला नहीं दिखा भाई उतना साइज का तो है यहाँ ए बार है यहाँ ए है बाकी जगह तो जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है तो एक मक्स के आउटपुट को इस वाले मक्स की सिलेक्ट बनाया और एक वाले मक्स के आउटपुट को इस तरह से करके इनपुट बनाया आई नॉट और आई वन आंसर बताइए जल्दी से है ना? जल्दी से आंसर बताइए इसका करेक्ट वे में क्या होगा इसका एन सर एन क्या होगा चलिए सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाइड वे में एकदम क्लियर कट अप्रोच से ठीक है ना यहां देखो मैंने कहा अगर इनपुट input पे इनपुट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो तो या तो एक्सोर बनता है या तो एक्सनॉट हम नॉर्मली मक्स में ऊपर आई नॉट और नीचे आई वन लेते हैं लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना कई बार वो इसको आई नॉट मतलब जीरो आई वन मतलब वन है ना कई बार वो इसको वन और इसको जीरो लिख लेते हैं तो इसलिए ध्यान रखना हम हमेशा आई नाट को ऊपर और आई वन को नीचे तो मैंने क्या बताया था अगर नीचे कॉम्प्लीमेंट हो तो नीचे नॉन कॉम्प्लीमेंट हो तो एक्जोनॉर बनता है और ऊपर कॉम्प्लीमेंट वाला ऊपर वाला ऊपर नॉन कॉम्प्लीमेंट हो आई नार्ट पे नॉन कॉम्प्लीमेंट हो तो एक्जॉर बनता है और आई वन पे अगर नॉन कॉम्प्लीमेंट हो तो एक्जनॉर बनता है किसका एक्जोनॉर किसके साथ इस नॉन कॉम्प्लीमेंट वाले का इस सेलेक्ट इनपुट के साथ तो ये तो आ गया ए एक्जनॉर बी आया भाई एक्नोर बी इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि ये आगे इनपुट की तरह यूज हो रहा है तो मैंने हमेशा कहा था इंटरमीडिएट आउटपुट्स को एक सिंगल टर्म मान लिया करो इसको मैं डी मान लेता हूं कोई दिक्कत है नहीं यहां से देखो ध्यान से क्या गया ये डी बार गया कॉम्प्लीमेंट इसका और यहां डी जा रहा है तो यहां पर भी एक्सोर ही इंप्लीमेंट है या एक्जोनॉर इंप्लीमेंट है यहां देखो यहां ऐसा कुछ नहीं है यहां बी बार यहां बी होता तो एक्सोर या एक्जोनॉर बनता यहां एक जगह बी बार है एक जगह वन तो इसको सिंपली एक्सपेंड कर दो कैसे करते हैं भैया अगर देखो कई लोगों को तकलीफ क्या हो जाती है यहां ए बार है भैया इसको अगर ज्यादा तकलीफ हो रही पी मान लो कोई दिक्कत नहीं होगी या एस नॉट मान लो तो होता क्या है ये एस नॉट है एस नॉट बार इंटू आई नॉट आई नॉट की वैल्यू क्या है एस नॉट बार इंटू आई नॉट प्लस क्या होता है एस नॉट इंटू आई वन आई वन की वैल्यू वन अब पी की वैल्यू रख दो क्योंकि कई बार कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसी में कंफ्यूज हुए जा रहे हैं ए बार का बार करेंगे कैसे a बार जब 0 होगा तब आई नॉट सेलेक्ट होगा उसी में कंफ्यूज अरे बार को एक दूसरा वेरिएबल पी मान लो है ना सिंपल सा नॉन कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल मान लो पी तो यहां पर सेलेक्ट इनपुट पी है तो पी नॉट बार इन टू आई नॉट होता है P1 जब P1 P पी हो तो आई नॉट सेलेक्ट होता है पी जीरो मतलब P बार इंटू आई नॉट प्लस p into i1 यही होता है p बार p की वैल्यू रख दो a बार तो यहां आ जाएगा a बार का बार a b बार प्लस यहां आ जाएगा a बार अब फिर से डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दोगे a बार प्लस b बार a बार प्लस a a बार प्लस a1 हो जाएगा a आ जाएगा a बार प्लस b बार या इसी को हम लिख सकते हैं a into b का होल बार लिख सकते हैं लिख सकते हैं भैया तो ये एक बेसिकली नैंड गेट इंप्लीमेंटेड था आपका और कुछ नहीं अब चलो अब इस ये भी यहां सेलेक्ट इनपुट की तरह यूज हुआ तो इसको मैं मान लेता हूं लेट से फॉर द एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं क्या इसको मैं मान लेता हूं क्यू ठीक है क्यू सेलेक्ट इनपुट पे मेरे पास क्यू अब देखो यहां ये दोनों इनपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं तो यहां एक्सोर या एक्नॉर बनेगा चूंकि नीचे नॉन कॉम्प्लीमेंट है तो एक्सोनॉर बनेगा ऊपर नॉन कॉम्प्लीमेंट होता तो एक्सोर नॉन कॉम्प्लीमेंट का सेलेक्ट इनपुट के साथ एक्सोनॉर बनेगा तो आउटपुट क्या आएगा भैया डी एक्सोनॉर क्यू अब d की वैल्यू रख देते हैं a एक्सनॉर b एक्सनॉर ये d की वैल्यू आई b और यहां से फिर एक्सनॉर और Q क्या है a इंटू बी का क्या होलबार a इंटू बी का क्या Whole बार अच्छा अब चलो मैं इसको और थोड़ा सा ब्रेक करता हूं मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या अगर किसी कॉम्प्लीमेंट किसी इनपुट पे कॉम्प्लीमेंट लगाओ हो ये a into b एक तरह से एक इनपुट है अगर a into b को मैं एक इनपुट मान लूं तो ये तरह से a xnor b xnor c c क्या है a into b का a into b है यहां c बार है a into b को अगर मैं c मान लूं तो a xnor b xnor c बार मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी अगर किसी एक्सोर या एक्सनोर के पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो वो कॉम्प्लीमेंट किसी एक इनपुट पे शिफ्ट हो जाता है या उस कॉम्प्लीमेंट को हटा के हम किसी एक एक्जूनार को एग्जॉर एक कर सकते हैं या किसी एक एक्सोर को एग्जोनॉर एक कर सकते हैं कई लोग यहां तक पहुंच जाएंगे लेकिन आंसर तक पहुंचने में कई लोगों को बहुत तकलीफ होगी जिन लोगों को एग्जॉर एक और एक्नार की इफेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं पता है मैं इसको यह लिख सकता हूं देखो ए एक्नार बी एक्नार ए बी का होल बार लिख सकता हूं मैं भैया बड़े आराम से लिख सकता हूं क्योंकि मैंने बताया था एक्जॉर और एक्सुनार के कंबिनेशन पे किसी कंबिनेशन पे हर जगह एग्जॉर और एक्जूनार हो सारे एग्जॉर् हों सारे एग्जॉर् हों या एग्जॉर् और एग्जॉर् का मिक्स हो

मैंने बता था किसी इनपुट पे कॉम्प्लीमेंट हो उसको हटाओ किसी एक एक्सोर को एक्सोनॉर कर दो या ओवरऑल पे कॉम्प्लीमेंट हो तो भी यही कर सकते हैं किसी एक पे होता है। अब तो मैं इसको ये लिख सकता हूं A, एक्षार, B, एक्षार, A, भी लिख सकता हूं बेटा वहीं से क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था एक्सोनॉर बी एक्नॉर बी एक्सोनॉर बी एक्नॉर सी तीन इनपुट का एक्सनॉर और एक्र सेम होते हैं ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी इज इक्वल टू ए एक्सर बी एक्स सी तो वही लिखा है और आपको ये चीज पता भैया ए एक्स और बी एक् ए बी इज नथिंग बट ए प्लस बी होता है तो यह आ गया ए प्लस बी का क्या होल बार और ये क्या है भैया नार गेट है टू इनपुट नार गेट ए इज द राइट आंसर कितने लोगों का आंसर आया था देखो बी एन तिवारी पहले नार गेट बहुत फिर, फिर से मिटा दी अरे कॉन्फिडेंस इतना कम नहीं करना जो निकाले वो सही है इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम था कई लोग यहां तक पहुंच जाते बेटा इसके आगे सॉल्व करने में कई लोगों की हालत खराब हो जाती बेटा ए इंटू बी का होल बार इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल बार दैट इज नार गेट तो जो ये मैंने बताया था ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैंने वहीं से ए एक्सर बी एक् ए बी इज ए प्लस बी और यहां ए प्लस बी तो वहां ए भी आ जाता है और तीन इनपुट का एक्जार और एक्सनार सेम होता है वहाँ यहाँ पे ये भी यूज हो रहा है बेटा बहुत बेहतरीन ढंग से बताओ करेक्ट है आंसर सबका आ गया आंसर कोई बात नहीं बेटा ए बार लेके करो आ जाएगा आंसर ठीक है बताओ करेक्ट है ये आंसर यहां तक बहुत लोग पहुंचेंगे इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन आपके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है कि मैं इस कॉम्प्लीमेंट को पहले शिफ्ट कर दिया ताकि मुझे देखना आसान हो जाए क्योंकि मेरे दिमाग में देखो ये मैंने क्यों शिफ्ट किया ऐसे मुंह उठा के कर दिया मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था अगर ये मेरे एग्जाम में भी आता मैंने क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया होता तो भी मैं करता क्यों भाई क्योंकि मुझे एक प्रॉपर्टी बड़े अच्छे से पता है कि ए एक्सर बी एक्सॉर ए तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर पाता हूं मुझे दिखा कि ए बस एक्जुनार है लेकिन ए बी और यहां ए बी का बार है लेकिन मुझे यह पता है कि इस बार को मैं पूरे पे शिफ्ट कर सकता हूं तो मुझे ए बी और ए बी मिल जाएगा और वहां से मैं प्रॉपर्टी शायद हो सकता है इसको यूज कर पाऊं यह दिमाग में कौंधना चाहिए आपके है ना कि यहां ए बी हो जाए तो मेरा काम थोड़ा सा शायद बन जाए वाली प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए थी वहीं से क्वेश्चन फ्रेम है और गेट यही करता है उसी प्रॉपर्टी को तोड़ मोड़ करके पूछता है तो उस प्रॉपर्टी से कैसे लिंकेज है वो ढूंढना है क्वेश्चन सॉल्व है नहीं तो आप एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे हो सकता है ये आंसर आ जाए मैं नहीं कह रहा हूं इसको एक्सपेंड करो जनरल वे में क्योंकि आपको यहां दो इनपुट वाले सारे आउटपुट दिख रहे हैं तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा भैया एक्सोनर को और एक्सपेंड करते रहो लेंदी सा हो जाएगा चार पांच छह स्टेप और लगेंगे टाइम जाएगा लेकिन इफेक्टिव वे क्या है मैंने यहां इस फॉर्म में लाने की कोशिश करी तो यहां से कॉम्प्लीमेंट हटाया और मुझे दिखा भैया तीन इनपुट का एग्जॉर एक्सोनॉर है ना ये ए ए एक इनपुट इनपुट की तरह तो यहां है सी है सी सी बी मैंने कहा एग्जॉर लिख सकता हूं एग्जॉर आ गया मेरा आंसर आ गया बताओ क्लियर है क्लियर है बताओ सबको क्लियर है तो आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं ठीक है क्लियर है सबको बताओ बढ़िया क्वेश्चन था ये अच्छे क्वेश्चन में से है ठीक है ना और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं गेट में और कुछ नहीं आता बेटा की कॉन्सेप्ट ऐसे यूज करके क्वेश्चन बना देते हैं कई लोग इसी में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे यहां पे देखो मैं ना जितने की कॉन्सेप्ट मैं कहता हूं ना बार बार गेट में आते हैं वहीं से क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट मैंने कहा था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ आर ओवर एंड इस ए प्लस प्लस को मैंने इस दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट किया एंड के ऊपर ये प्रॉपर्टी बहुत बार आई है एक्नॉर की प्रॉपर्टी बहुत बार आई है कितने इफेक्टिवली चीजों को अब ये क्वेश्चन करके आपका दिमाग थोड़ा डिफरेंट ओ... टाइप के क्वेश्चन हम क्यों करते हैं आखिर आपका दिमाग ओपन हो जाए डिफरेंट डायरेक्शन में सोच पाए ये जो यहां फसाने का कैच था वो आप कैच कर पाओ

ऊपर बार बार होता है ना एक्सपेंशन में लेंदीसा हो जाता है कहीं बार आ रहा है कहीं नान बार अरेंज करना पड़ता है टाइम जाता है और एग्जाम में हमें हर एक मिनट की कीमत समझनी बेटा उस समय तो लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एक मिनट लग जाने दो दो मिनट एक्स्ट्रा लग जाने दो लेकिन वही दो दो मिनट दस क्वेश्चन में लगा दो बीस मिनट तुमने गंवा दिए जिसमें पांच क्वेश्चन और किए जा सकते थे यही एग्जाम है और कुछ नहीं है ठीक है ना चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं होपफुली आपने इस क्वेश्चन से सीखा होगा चलिए अब इसका आंसर बताएंगे सब लोग बढ़िया तरीके से के मैप एक दिया है देखते हैं कितने लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही सिंपल के मैप लेकिन बहुत लोग जल्दबाजी में इधर उधर आंसर निकालते रहेंगे आप कितने इफ़ेक्टिवली सॉल्व करते हो वो देखने वाली बात होगी बताइए इसका आंसर कितने लोगों का आया ए आंसर निहार का ए आंसर आ गया ठीक है पिछले क्वेश्चन का कितने लोगों का आंसर आया था बताइए भाई पिछले क्वेश्चन का ए आंसर चलो भाई बढ़िया है जो क्वेश्चन मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए रखना बहुत काम के क्वेश्चन हैं आपके है ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ करने को मिलेगा उससे ठीक है इसका आंसर निकालिए जल्दी से ए आंसर दो लोगों का आ चुका है तीन लोगों का एक्चुअली आ चुका है ए आंसर ठीक है चलो ए आंसर देखते हैं मैंने क्या बताया था हम हर वन का यूज करके जो बेस्ट पॉसिबल है वो बनाने की कोशिश करेंगे वन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डोंट केयर नहीं डोंट केयर अगर हमारे किसी वन को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा तो यूज करेंगे और बेस्ट पॉसिबल मिनिमाइजेशन किसी वन का यूज करके हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे हर वन का यूज करके जो बेस्ट पॉसिबल बन सकता है क्वाड बन सकता है तो क्वाड ऑक्टेड तो ऑक्टेड पेयर तो, तो पेयर नहीं तो सिंगल और हर वन के लिए ऐसे कंसंट्रेट करेंगे जो वन किसी क्वाड किसी पेयर में यूज हो जाएंगे फिर उस कंसंट्रेट नहीं करेंगे जो अनयूज है हो के, कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा वैलिड पेयर है कौन सा वैलिड क्वाड है कौन सा वैलिड ऑक्टेट है जो वैलिड होंगे वो आउटपुट में आ जाएंगे जो इनवैलिड या रिटेंडेंट होंगे वो नहीं आएंगे सिंपल सा लॉजिक है है ना और किसी अनयूज वन पे जब हम कंसंट्रेट कर रहे होंगे पेयर क्वाड या ऑक्टेट बनाने के लिए तो उसमें यूज्ड वन को हम यूज कर सकते हैं सिंपल सा लॉजिक तो मैं पहले चलो इस वन पे कंसंट्रेट करने का मेरा मन किया तो यहां देखो अरे और यहां दो नीचे डोंट केयर ये यहां पे अरे यार पेयर ऑक्टेट तो बन नहीं सकता यहां वन होता या यहां डोंट केयर होता तो ये ऑक्टेट बना लेते यहां डोंट केयर या दो वन होते तो ऑक्टेट बन जाता इस वन का लेकिन एकदम सीधा दिखा तो मैंने यहां बना दिया जो दिख जाए बना दिया करो ज्यादा सोचा मत करो है ना बाद में एनालिसिस कर लेंगे बन गया भाई मैं अलग अलग कलर से बनाता हूं फिर मैं आया इस वन पे भाई क्या बना सकता हूं यहाँ वन होता तो क्वार बना देता यहाँ होता तो क्वार बना देता लेकिन यहाँ दो बगल में है इसके अपोजिट साइड जरूर देखा करो जब चार वेरिएबल का के मैप है तो यहां देखो पेयर बगल बगल वाला तो दिख जाएगा बगल में अगर जैसे दिखा ना तो अपोजिट साइड जरूर देखा करो कहीं और दो वन तो नहीं है क्वाड बन जाएगा है भैया ये छोटे छोटे जो पॉइंट बता रहा हूं देखता हूं दो, तो दो, तो यहां यहां दो कोने में दिखते हैं तो पेयर दिख, तो दिख रहा तो मैं इन दोनों कोनों को जरूर देखता हूं तो एक सिस्टमेटिक वे बना दो आपका दिमाग जरूर ऑब्जर्व करेगा तो मुझे जैसे दिखा कि ये वन का क्वाड यहां यहां से तो नहीं बना हाँ पेयर दिख रहा है बनने का तो मुझे जैसे दिखा यहां ये फोल्डिंग वाला यहां तो बनेगा हां बनेगा भैया तो मैंने कहा क्वाड बेस्ट बन सकता क्वाड बना दू दूसरे कलर से बनाता हूं ये मिक्स हो जा रहा है तो मैंने कहा भैया मैं क्वाड बना लेता हूं मस्त वाला यहां से क्वाड बना लिया मैंने चलो अब ये 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 चार वन यूज हो गए मुझे वन पे कंसंट्रेट करना अब ये बचे दो वन इनका भैया यहां होता तो क्वाड बन जाता यहां होता तो ऑक्टेड ही बन जाता यहां दो वन होते तो यहां से क्वाड बन जाता लेकिन बगल में दो डोंट केयर तो दिख रहे हैं भैया कह रहे हैं मजे मजे में बनाओ यार कहा टेंशन ले रहे हो हमने कहा ठीक है भाई मजे में बनाना है तो मजे में बना देते हैं हम भी ठीक है पिंक कलर से बना लेते हैं ना ठीक है तो यहां हमने क्या किया बना दिया एक और क्वाड अब सारे वन यूज हो गए अब कौन सा आउटपुट में आएगा ये देखना तीन क्वाड हैं, तो चार वेरिएबल में अगर तीन क्वाड क्वाड में हमेशा दो वेरिएबल घटते हैं और ये चार वेरिएबल का फंक्शन है तो दो वेरिएबल घटेंगे मतलब हर क्वाड से हमें दो वेरिएबल का फंक्शन आएगा तो देखो दो वेरिएबल के ही सारे आंसर दिए हैं दो ऑप्शन में तीन दो वेरिएबल के फंक्शन दिए हैं मतलब क्या है तीन क्वाड है इन दोनों ऑप्शन में तीन क्वार हैं क्योंकि हर दो वेरिएबल का फंक्शन है और ओवरऑल दो वेरिएबल के टर्म है और ओवरऑल चार वेरिएबल का फंक्शन है मतलब दो वेरिएबल घट गए और दो वेरिएबल कब घटते हैं जब क्वाड बनता है मतलब यहां तीन क्वाड बने यहां दो ही क्वाड तो हम देखते हैं हमने तीन क्वाड बना लिया कई लोग वही तीनों क्वाड लिख देंगे नील बटे सन्नाटा अब देखो ये वाले क्वाड को देखते हैं जो रेड कलर वाला इसमें ये दो वन ऐसे हैं जो एक ही बार यूज हुए हैं मैंने कहा वो क्वाड वो पेयर वो ऑक्टेड वैलिड होगा इससे मतलब नहीं कि पेयर है क्वाड बड़ा होता है तो क्वाड वैलिड हमेशा होगा पेयर हो चाहे क्वाड हो चाहे ऑक्टेड वो वैलिड होगा तभी आउटपुट में आएगा बड़ा होने से नहीं कि क्वाड बड़ा है पेयर से तो क्वाड हमेशा आउटपुट में आएगा ये मैंने कराया भी है तो अगर उसमें कम से कम एक वन ऐसा हो जो एक ही बार यूज हुआ हो ऐसे और भी वन हो तो बहुत बढ़िया है कम से कम एक ऐसा होना चाहिए एक से ज्यादा हो तो और अच्छा यहां दो वन ऐसे हैं जो एक ही बार यूज हुए हैं बाकी ये वाले वन तो दो बार यूज हो चुके हैं लेकिन ये दो वन ऐसे हैं इस रेड वाले क्वाड में जो एक ही बार यूज हुए इसलिए ये वैलिड है ये आउटपुट में जरूर आएगा कोई ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पाएंगे अब इसकी वैल्यू क्या भैया यहां से डी और यहां से बी बार तो बी बार डी तो ऑप्शन में जरूर आने वाला है जिस ऑप्शन में बी बार डी नहीं है वो तो आई नहीं सकता देखो बी बार डी तो सारे ऑप्शन में भैया एबीसी बी बार डी बी बार डी तो ये तो आना तय है भैया और आता भी अगला देख लेते हैं भाई ये वाले क्वाड को देखते हैं ध्यान से ये जो पिंक वाला है इसमें दो वन वन हमारे इंपॉर्टेंट हैं डोंट केयर नहीं दो वन कम से कम एक वन ऐसा होना चाहिए जो एक ही बार यूज हुआ यहां दो वन ऐसे हैं जो एक ही बार यूज हुए तो ये वैलिड हो गया एक भी वन अगर ऐसा मिल जाता जो एक ही बार यूज हुआ तो वैलिड हो जाता तो ये वाला क्वाड भी वैलिड है और ये जरूर आएगा यहां से बी और यहां से क्या सी बार तो बी सी बार ये तो जरूर आएगा जिसमें है वो ऑप्शन हो सकता है जिसमें नहीं है वो नहीं तो ये वाला बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बी सी बार क्वाड मिसिंग है और ये इंपॉर्टेंट है ये होगा ही होगा अब क्या तीसरा क्वार हमने तीन बनाया था वो देखो इस ऑप्शन में बी बार डी बी सी बार और तीसरा क्वार सी बार डी भी है अब यह आएगा कि नहीं आएगा अब ऑप्शन या तो ए है या तो सी है और अगर ये भी नहीं है तो ननीज है ठीक है अब ये देखो ये एक पहले ऑप्शन में है तीसरे ऑप्शन में बस एक एक्स्ट्रा टर्म है सी बार डी अब ये वाले क्वार को देखो इसमें दो वन है ये और ये बाकी दो तो डोंट केयर है डोंट केयर को हमें काउंट ही नहीं करना वो तो बस हेल्प किया है दोनों वन एक से ज्यादा बार यूज हुए हैं अगर इसमें से एक भी वन ऐसा होता जो एक ही बार यूज हुआ है तो ये वैलिड होता और ये आ जाता लेकिन यहां दो वन है स्क्वाड में बाकी दो तो डोंट केयर हैं तो उनको तो बस हेल्प किए उनको हम काउंट थोड़ा कर रहे हैं बस वो हेल्प कर रहे हैं तो दो वन है और दोनों के दोनों वन एक से ज्यादा बार यूज हुए तो ये रिडेंडेंट क्वाड है या इनवैलिड या आउटपुट में नहीं आएगा ये आके जबरदस्ती एक्स्ट्रा टर्म बढ़ाएगा इसके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मिनमाइज आउटपुट ये है ना कि ये सी बार डी वाला मैं कहूं आउटपुट को मैं चाहे बी बार डी प्लस बीसी बार लिखूं आउटपुट को चाहे मैं बी बार डी प्लस बीसी बार प्लस सी डी बार लिखूं सी बार डी लिखूं ये दोनों आउटपुट करेक्ट हैं बेटा आउटपुट दोनों करेक्ट हैं लेकिन ये मिनिमाइज्ड फॉर्म नहीं है इसमें एक जबरदस्ती आपने रिडंडेंट टर्म ऐड कर दिया है ये भी वही आउटपुट जनरेट करेगा जो ये वाला करेगा एबीसीडी चार वेरिएबल है ना चार वेरिएबल से टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे सारे कॉम्बिनेशन जब रखोगे तो उसमें जिन जिन इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए ये आउटपुट बन देगा उन्हीं उन्हीं इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए ये भी आउटपुट बन देगा है ना तो ऐसा नहीं कि ये वाला आउटपुट कुछ अलग कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट जनरेट करेगा ये आउटपुट करेक्ट है सेम लॉजिकल फंक्शन का ही आउटपुट है और ये भी करेक्ट है ये वाला तो इनकरेक्ट सिंपली इनकरेक्ट है क्योंकि दिस यहां पे एक टर्म, टर्म यूज आपने लगा दिया है इसके होने ना होने से आउटपुट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता तो इसके होने पे भी आउटपुट करेक्ट है ना होने पे भी करेक्ट है लेकिन हमें मिनमाइज चाहिए होता है तो हम ना होने वाला लेंगे ना ये ध्यान रखना देखो ये सब मिसकॉन्सेप्शन होता है कई बार आपको लगता है ये इनकरेक्ट आउटपुट है ये इनकरेक्ट नहीं है ये मिनिमाइज नहीं है दोनों बातें अलग हैं ये वाला इनकरेक्ट है क्योंकि ये वाला क्वाड तो आउटपुट में आ ही नहीं सकता ए बार सी बार सी इसलिए ये इनकरेक्ट है बट दिस इज करेक्ट यहां पे सी बार जस्ट रिडंडेंसी है और रिडंडेंसी कई बार हम यूज करते हैं हैजर्ड्स को हटाने के लिए डिजिटल सर्किट में एक्चुअल प्रैक्टिकल सर्किट में हो सकता है ये सी बार डी हम यूज करें इस आउटपुट को इंप्लीमेंट करने के लिए मे बी हम रिडेंडेंसी कई बार यूटिलाइज करते हैं इन केस ऑफ इन टू रिमूव स्टैटिक 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 जीरो वन ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब प्रैक्टिकल डिजिटल सर्किट डिजाइन करने जाओगे बच्चों है ना तो ये मत कहना कि दिस आउटपुट इज इन करेक्ट दिस आउटपुट इज नॉन मिनम बिकॉज वी आर यूजिंग एक्स्ट्रा टर्म इसमें हमें गेट ज्यादा लगेंगे ये पूरी तरह से मिनिमाइज नहीं है ये इसमें गेट कम लगेंगे इसमें सोचो ना एक एंड गेट अगर बी बार अवेलेबल है एक एंड गेट ये और दोनों को आरिंग करने के लिए एक आर गेट यहां एक एंड गेट एक एंड गेट एक एंड गेट तीन एंड गेट फिर आरिंग करने के लिए जो गेट लगेंगे वो और एक्स्ट्रा तो यहां पे नॉन मिनमाई से नंबर ऑफ गेट्स ज्यादा लगेंगे कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी लेकिन प्रैक्टिकली ये सर्किट कई बार यूज करते हैं सो दैट टू हैव नॉन हजार्डियस सर्किट है ना क्योंकि हजार्ड हमें दूर करना भी जरूरी है मेरे बच्चों हजार दूर करना बहुत जरूरी है भाई साहब हाँ मल्टीपल चॉइस आए तो मैं कह सकता हूं दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं अब लेकिन मल्टीपल चॉइस में लैंग्वेज क्या है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एमएसक्यू के क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा है ना अब वो स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि जो मिनमाइज्ड है वही हम ले सकते हैं कई बार आपने एक पढ़ा होगा के मैप में के मैप कैन हैव मोर देन वन सोल्यूशन है ना कैन है मतलब एक से ज्यादा सोल्यूशन के मैप के हो सकते हैं बट ये नेसेसरी नहीं है कि हर के मैप के एक से ज्यादा सोल्यूशन होंगे किसी के एक भी होंगे केवल एक ही हो सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है किसी के एक से ज्यादा पॉसिबल हो सकते हैं तो उसमें अब उन्होंने अगर स्पेशली वर्ड यूज कर दिया मिनिमाइज वाला तो मिनिमाइज वाले में ये नहीं आ सकता फिर हमें यही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा मिनिमाइज वर्ड यूज नहीं किया तो दोनों करेक्ट हैं और कई बार मिनम वाले सोल्यूशन भी दो पॉसिबल होते हैं जैसे ये मिनिमाइज सोल्यूशन में दो क्वाड है ना इस मिनिमाइज सोल्यूशन में दो क्वाड है कई बार के मैप के ऐसे सोल्यूशन होंगे कि एक मिनिमाइज सोलूशन में दो क्वाड है और एक और सोल्यूशन पॉसिबल है दूसरा वाला मिनिमाइज उसमें भी दो क्वाड होंगे जब मैं कहता हूं ना के मैप के मोर देन वन सोल्यूशन में पॉसिबल होते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर के मैप का एक से ज्यादा सोल्यूशन होगा कई ऐसे के मैप होंगे जिसके एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं लेकिन जो दो सोल्यूशन होंगे अगर पहले सोल्यूशन में दो क्वाड और एक पेयर है तो दूसरे सोल्यूशन में भी दो क्वाड और एक ही पेयर होंगे हां क्वाड की वैल्यू अलग हो सकती है एक में किसी क्वाड की वैल्यू कुछ है और दूसरे में क्वाड की वैल्यू कुछ है या किसी पेयर की वैल्यू अलग हो सकती है लेकिन दोनों सोल्यूशन में दो क्वाड और एक पेयर होंगे अब इस केस में दोनों मिनिमाइज सोल्यूशन है और दोनों अकूरेट सोल्यूशन है और दोनों करेक्ट सोल्यूशन है बस एक में क्वाड की वैल्यू अलग है एक में क्वाड की वैल्यू अलग है लेकिन है दोनों में दो क्वाड और एक पेयर दोनों सोल्यूशन जब भी एक से ज्यादा सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं तो नंबर ऑफ क्वाड्स और नंबर ऑफ पेयर्स दोनों सोल्यूशन में सेम होते हैं इज की मैं बात कर रहा हूं तो अगर मिनमाइज ऐसा पूछा जाए तो ऐसे के मैप हो सकते हैं दिए हो जिसमें दो मिनिमाइज सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं हाँ दोनों मिनमाइज में नंबर ऑफ क्वाड्स नंबर ऑफ पेस नंबर ऑफ ऑक्टेट सेम होंगे बस उनकी वैल्यू अलग हो सकती है जैसे यहां बी बार डी की जगह कोई और क्वार हो सकता है जिसकी वैल्यू सी बार डी बार हो लेट्स से तो वहां पे दोनों चूज करेंगे क्योंकि तो अब यहां minimized word यूज कर दिया एकदम तो तो ये minimized तो नहीं है ना इसलिए नहीं टिक करूंगा लेकिन minimized word यूज नहीं किया तो दोनों टिक करूंगा इसलिए के जो क्वेश्चन पिछले साल आए थे उसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती क्या कह रहे हैं यूनिकली वही चाहिए कि हो जाए तो सही है उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ती है एमएसक्यू मैं जब एग्जाम करीब आएगा तो एमएसक्यू पे मैं सेशन लेने वाला हूं एमएसक्यू की लैंग्वेज को कैसे समझें ये क्योंकि बहुत लोग लैंग्वेज ही नहीं समझते एमएसक्यू का कि पूछा क्या है किस बेसिस पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि दो सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं हर केस के लिए करेंगे कि केवल एक्सक्लूसिवली कुछ केस के लिए करेंगे तो यह लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा है ना अगर मिनिमाइज वर्ड यूज नहीं होगा तो मैं दोनों सोलूशन करेक्ट करूंगा मिनिमाइज वर्ड यूज होगा तो मनली बात समझ में आ गई होगी होपफुली बताओ क्लियर है क्लियर हाँ यार ये प्लेलिस्ट बन नहीं पाई सॉरी आज ही मैं अभी बनवा देता हूं ठीक है तो परसों मेरा सेशन है बेटा दो बजे डिजिटल का ही परसों मतलब सत्रह अगस्त यही आगे कंटिन्यू होगा डिजिटल के फाइव क्वेश्चन फाइव का फिर फ्राइडे सैटरडे को फिर वही सिग्नल लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है टुमारो एट सिक्सटीन अगस्त कितने बजे जीरो जीरो पी एम पे मेरा सेशन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को अब इंगेज करना बहुत जरूरी है क्या क्या फियर फैक्टर्स जो बच्चों के होते हैं जो मैक्सिमम बच्चे 90 परसेंट टेस्ट नहीं देते उसके डिसएडवांटेजेस क्या है एडवांटेज कैसे लेना है उसको एंगेज कैसे करना है क्या क्या परेशानियां आती हैं तो टैकल कैसे करना है और इसको एंगेज किए बिना आप अच्छी रैंक नहीं ला सकते कितना भी हार्ड वर्क कर लिए हार्ड वर्क के बाद ये करना बहुत जरूरी है आप पता चले 80 अस्सी परसेंट तो हार्डवर्क जो जरूरी था कर लिए लेकिन जो रेस्ट ट्वेंटी जो उस एट्टी के हार्ड वर्क का आउटपुट एक्चुअली में दिलाएगा वही ट्वेंटी आप करना नहीं चाहते मैक्सिमम लोग और वहीं पर दिक्कत है मैंने वहीं पे बहुत ज्यादा दिक्कत है बहुत 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 ज्यादा दिक्कत है तो इसलिए कल मेरा सेशन है चार बजे सोलह अगस्त को सब्जेक्ट वाइज ऑलरेडी शेड्यूल है उसको जाके शेयर लाइक भी कर देना इस सेशन के जस्ट बाद और परसों जो सेशन है वो भी ऑलरेडी शेड्यूल है जो फाइव क्वेश्चन फाइव कॉन्सेप्ट का उसको भी जाके शेयर और लाइक ज़रूर कर देना ठीक है ना ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है थोड़ा सा और इस सेशन को लेकिन ज़रूर अटेंड करना क्योंकि आप में से बहुत लोग ये नहीं करते मुझे पता है क्योंकि ये मैं डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ हवा में नहीं क्योंकि मेरे यहाँ जो इनरोल्ड स्टूडेंट है जिनको मिलती है टेस्ट सीरीज वो मुझे उस डेटा का एनालिसिस पिछले तीन साल का है ना कि एक साल का है या दो महीने का तो वो एक रेगुलर जो पैटर्न है पता है कितने लोग देते हैं कितने नहीं इसलिए उसको प्रॉम्प्ट करना उसकी बताना क्या क्या दिक्कतें होती हैं क्यों आप नहीं देते हो क्यों देना चाहिए क्यों नहीं देते हो उसको फियर को दूर कैसे करना ये सारी बातें मैं कल करने वाला हूं चार बजे तो इस सेशन में जरूर आना इस सेशन को जाकर शेयर और लाइक जरूर कर देना ठीक है ना गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग नंदेश कृष्णा ठीक है ना चलो तो अब मैं इस सेशन को यहीं एंड करता हूं कल मिलेंगे चार बजे शाम में और परसों तो दो बजे हम मिलने वाले वालेंगे फिर फ्राइडे सैटरडे को मेरा सिग्नल का सेशन होगा उसमें भी ज़रूर मिलेंगे ठीक है चलो थैंक यू सो मच एवरीवान और आप अपनी पढ़ाई अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग करते रहिए ये सेशन शेड्यूल है कल इस टाइम आना बाकी टाइम अपना शेड्यूलिंग प्रॉपर तरीके से फॉलो करना सेल्फ स्टडी प्रॉपर तरीके से करना और आप अपने ऊपर जितना काम करते रहेंगे उतना अच्छा आप रिज़ल्ट जनरेट करते रहेंगे ठीक है ना चलो बाय बाय बच्चों टेक केयर